केंद्र सरकार छलावा कर रही है, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार रोजगार के मामले में हम युवाओं के साथ लगातार छलावा कर रही है। कभी कुछ नोटिफिकेशन निकाला जाता है। बताइए, रेलवे का ये 2019 का ही वैकेंसी है, 2018 का है, उसके साथ एक नोटिफिकेशन आया था, फिर उस नोटिफिकेशन को बदल दिया। एक चरण में एग्जाम लेने की बात थी, 100 क्वेश्चन एक घंटे में अटेम्प्ट करने की बात थी, 1.5 घंटे में अटेम्प्ट करने की बात थी, लेकिन अब लगातार सरकार निर्णय बदल रही है। ये बताइए कि CBT 2 का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है ग्रुप डी में? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मेरे पास बोल नोटिफिकेशन लगातार बदल रही है। देखिए, मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सरकार कान में जू नहीं रेंग रही है। मीडिया के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वह सम्मान के साथ आपसे पूछना चाहते हैं कि आप करते हैं कि 65% जब इस देश का युवा है तो 65% यदि रेलवे ट्रैक पे है तो आप पे इसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आज 2018 वैकेंसी जो ग्रुप टू की निकली थी उसमें एग्जाम का पैटर्न यही था कि 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में अटेम्प्ट करना था हम लोग को, लेकिन आज एग्जाम का नोटिफिकेशन निकला है कि अब ग्रुप डी का एग्जाम 2 फेज में होगा, मतलब 2 CBT 2 में भी होगा, यानी कि CBT 1 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में और CBT 2 में 120 क्वेश्चन 90 मिनट में। बात ये है कि ग्रुप डी में 2 एग्जाम लेने का सीधा सीधा मुद्दा क्या बनता है आपका? सरकार से बस हम लोग यही पूछना चाहते हैं कि सीबीटी 2 लाने का क्या मुद्दा है? मतलब सरकार परेशान करी आप लोग? सरकार खेल रही है। सरकार परेशान नहीं, 4 साल से हम लोग कितना युवा का एज खत्म हो गया, कितना युवा रो रहा है, कितना युवा फाइट कर रहा है। आज हम लोग याद दिला देंगे, चंद्रशेखर आजाद आज भी जिंदा है, पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेंगे। हमारा देश वीरों से भरा है, हक की लड़ाई के लिए हम अपनी जान दे देंगे। रेलवे ग्रुप डी से अनुरोध है कि अपना CBT 2 का नोटिफिकेशन वापस ले ले। रेलवे ग्रुप डी से अनुरोध है ये अपना CBT 2 का नोटिफिकेशन क्या करें? यही कारण है कि CBT 2 का नोटिफिकेशन जो एग्जाम लेने की बात कही है उसको वापस ले लीजिए। हाथ जोड़ कर निवेदन।